हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट टाइम पे सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था। जो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे उनमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था, उसका मैग्निफिकेशन पावर निकाला था, किस तरह से एक टाइनी ऑब्जेक्ट मैग्निफाई होता है। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसका मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप से भी कई गुना होता है, लगभग 10 टाइम्स होता है। यानी बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट को जब ज्यादा मैग्निफाई करके देखना हो तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम में लेते हैं। जनरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो बैक्टीरिया वगैरह इनकी स्टडी करने के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, तो इनको बड़ा करके देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर समझेंगे किस तरह का होता है। इसमें दो लेंसेज काम में लिए जाते हैं, एक लेंस कम फोकल लेंथ का होता है और एक ज्यादा फोकल लेंथ का होता है। जो कम फोकल लेंथ का लेंस होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो ज्यादा फोकल लेंथ का लेंस होता है उसे कहते हैं हम आई लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, और जो इसका आई लेंस होता है वो हमारी आई की तरफ होता है, जिधर से हम ऑब्जेक्ट को मैग्निफाइड देख पाते हैं। तो इसका कुछ रे डायग्राम भी दिखाया हुआ है। इसमें एक दिखाया हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक दिखाया हुआ है आई लेंस, और ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट है इसकी फाइनल इमेज बन रही है ए डबल डैश बी डबल डैश। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी इमेज है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर समझेंगे किस तरीके का होता है। ये दोनों लेंस जो हैं ये रैक पिनेनियन सिस्टम के अंदर दो अलग अलग डायमीटर की ट्यूब्स होती हैं, उसमें अरेंज्ड होते हैं, यानी कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। सपोज जैसे एक ट्यूब में ये लेंस फिट होता है और एक दूसरी ट्यूब में आई लेंस फिट होता है, और ये दोनों ट्यूब्स जो हैं अलग अलग डायमीटर की, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं ताकि दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस चेंज की जा सके, ताकि हम ऑब्जेक्ट की इमेज को अच्छे से फोकस कर सके। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है, इसे हम रैक पिनेनियन अरेंजमेंट भी कहते हैं। अब किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है इसको हम रे डायग्राम से समझ सकते हैं। तो एक है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और एक है हमारा आई लेंस। तो दो बार मैग्निफिकेशन हो रहा है। ये हमारा एक ए बी ऑब्जेक्ट है, टाइनी ऑब्जेक्ट। इस टाइनी ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस लेंस से रिफ्रेक्ट होकर इमेज बना रही है ए डैश बी डैश। जितने में केवल जितना दिखा रहा हूं पहले उतना देखते चलेंगे। पहला लेंस है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, लाइट रे पहले इससे रिफ्रेक्ट हो रही है और रिफ्रेक्ट होकर इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है ए डैश बी डैश इमेज बन रही है। अब ये ए डैश बी डैश इमेज दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। ये मैंने आपको कई बार बताया कॉन्सेप्ट में, ए डैश बी डैश जो है ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो जैसे ही लाइट रे इस ए डैश बी डैश से चलती है ये दूसरे वाले लेंस से रिफ्रेक्ट हो जाती है। देख सकते हैं अभी यहां से जाके ये रिफ्रेक्ट हो रही है, और एक लाइट रे कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। इसका ऑप्टिकल सेंटर का नाम हमने ई दिया है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। और जब इन रिफ्रेक्टेड रे को पीछे बढ़ाया जाता है, ये पीछे बढ़ाया गया, ये आगे जाके मीट नहीं करती है, ये डाइवर्जिंग रेज है। तो जब इन्हें पीछे बढ़ाया गया तो ये यहां कहीं मीट करती है और इमेज बनती है ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज बनती है। इन दोनों लेंसों की हम पोजिशन को इस तरह से सेट कर लेते हैं कि ये जो इमेज बनती है ए डैश बी डैश, ये जो आई लेंस है इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहीं बीच में बनती है। ये इस वाले लेंस का फोकस है एफ ई और इसका ऑप्टिकल सेंटर है ई, तो इनके बीच में कहीं हम बनाते हैं ए डैश बी डैश, जिससे इसकी मैग्निफाइड इमेज बनती है ए डबल डैश बी डबल डैश। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स में पढ़ा था। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहीं बीच में होता है तो उसकी इमेज उसके पीछे बनती है और मैग्निफाइड बनती है। तो इस तरह से इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ये मैग्निफाइड इमेज हमें मिलती है। तो बच्चों, आपको इसका डायग्राम देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली बन जाएगा। बस हमें पहले इस वाले लेंस से लाइट को रिफ्रेक्ट करवाना है और फिर इस वाले लेंस से लाइट को रिफ्रेक्ट करवाना है और इसकी इमेज बन जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश। अब इसका हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला निकालेंगे, मैग्निफिकेशन पावर निकालेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक लेंस जो होता है उस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u होता है, और एक लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन दिया जाता है वो होता है m = v/u और इसे हम h - hb कहते हैं। तो ये फॉर्मूले मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन मैग्निफिकेशन पावर निकालने के लिए आप इन्हें ध्यान रखेंगे।
तो अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो केस लेंगे। फर्स्ट है जब हमारा ऑब्जेक्ट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे रखा हुआ था। पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे रखा हुआ था, डी पर रखा हुआ था। तो हमें ये बहुत ही टाइनी दिख रहा था, बहुत ही छोटा दिख रहा था, और बिना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करे हुए हम इसे देख रहे थे ऑब्जेक्ट ए बी को। और यहां पर ये एंगल ऑफ साइड बन रहा था हमारा अल्फा। वापिस सुनेंगे ध्यान से। पहले हमने ए बी ऑब्जेक्ट को बिना कंपाउंड माइक्रोस्कोप के देखा तो हमें ये बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था, और ये कहां रखा गया था? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे रखा हुआ था, और ये यहां से देखा जा रहा था, तो ये बहुत ही छोटा दिख रहा था। लेकिन जब हमने इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने पर इसकी इमेज हमें दिखाई दे रही है ए डबल डैश बी डबल डैश, हमें काफी मैग्निफाइड दिखाई दे रहा है, और यहां पर एंगल ऑफ साइड बनता है बीटा। तो एक डायग्राम ये वाला और एक डायग्राम ये वाला, दोनों डायग्राम्स हम ध्यान रखेंगे तभी हम आगे डेरिवेशन कर पाएंगे। तो इनके आप डायग्राम को ध्यान से देख लें, फिर हम इनके डेरिवेशन पे चलते हैं। हम मैग्निफिकेशन पावर के फॉर्मूले से जानते हैं कि एम इक्वल्स टू होता है बीटा अपॉन अल्फा, और इसको नियरली इक्वल्स टू लिखते हैं हम टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। इक्वेशन नंबर वन है। तो डायग्राम ए से हम यहां टेन अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम डायग्राम ए टेन अल्फा इक्वल्स टू होगा ए बी अपॉन माइनस डी। माइनस डी साइन कन्वेंशन से लिया है मैंने, क्योंकि लाइट रे इधर से जा रही है और डिस्टेंस हम इधर से मेजर कर रहे हैं, तो माइनस डी टेन अल्फा होगा। और डायग्राम बी से इन फिगर बी इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई, ए डैश बी डैश ई, तो हम देखेंगे ए डैश बी डैश ई कितना होगा, टेन बीटा इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ये हो जाएगा ई ए डैश, ई ए डैश ये हो जाएगा। और इसका डिस्टेंस कितना है, यू ई है, इधर से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो माइनस का ही आएगा ये। अभी हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन टू और थ्री से हम वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, तो हमारे पास कुछ आएगा फ्रॉम, या मैं रब कर देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री एम इक्वल्स टू टेन बीटा होगा ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, और टेन अल्फा होगा ए बी अपॉन ओ ए लिख लेता हूं, फिर साइन कन्वेंशन से वैल्यू रख लेंगे सारी, ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश इंटू ओ ए अपॉन ए बी। तो ये हो गया एम इक्वल्स टू, हमारे पास आया ए डैश बी डैश, तो इसको ए डैश बी डैश रख देंगे, ए डैश बी डैश हमारे इधर बन रहा था ए डैश बी डैश, तो हम उसे माइनस में रखेंगे अभी, और ये ए बी, और ओ ए जो डिस्टेंस है वो माइनस डी है, और ई ए डिस्टेंस आप डायग्राम में देख सकते हैं वो क्या हमारे पास माइनस यू ई है। इसी तरह से ए डैश बी डैश को लिखेंगे हम एम इक्वल्स टू एच डैश, वो भी माइनस का, अपॉन ए बी को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच से डिनोट कर देंगे, और ये होगा डी अपॉन यू ई। और हम जानते हैं कि एच डैश अपॉन एच किसी भी लेंस के लिए एच डैश अपॉन एच होता है वी बाई यू, तो एम इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, और v बाई यू भी किसके लिए, कौन से लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस ने h डैश हाइट की इमेज बनाई है, और ऑब्जेक्ट कितना रखा था उसके सामने, h हाइट का रखा था, तो ये होएगा v नॉट अपॉन u नॉट
और डी अपॉन यूई। तो ये होता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर होता है। तो सारी वैल्यूज को हम साइन कन्वेंशन से रख लेंगे और हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाएगा एम इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यूई। इसी तरह से अब इसके दो केस बनते हैं, एक हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए और एक हम मिनिमम मैग्निफिकेशन कहां पर देख सकते हैं। तो दो स्पेशल केस हैं इसके। स्पेशल केसेस में व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, यानी हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहते हैं और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमें पता है कहां पर होता है, जब हमारी फाइनल इमेज कहां पर बन जाए, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिविजन यानी डी पर बन जाए। इस बात को फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखेंगे इसका। हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए फाइनल इमेज को कहां बनाना पड़ेगा, हमें डी पर बनाना पड़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन बनाना पड़ेगा, किससे, हमारी आई से। और हम देख कहां से रहे थे, ऑब्जेक्टिव लेंस की, सॉरी हम कहां से देख रहे थे, आई लेंस की दूसरी तरफ से देख रहे थे, तो हमें वहां से कितनी दूर डिस्टेंस बनाना है, डी डिस्टेंस बनाना है। तो मैं लिख सकता हूं, तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस क्या हो जाएगा, यू इक्वल्स टू माइनस यू ई, ये हो जाएगा। और वी ई हो जाएगा पोजिशन ऑफ इमेज, फाइनल इमेज फॉर आई लेंस, VE इक्वल्स टू माइनस डी बाई यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो हम लिख सकते हैं 1/FE, फॉर कौन सी लेंस की बात हो रही है, आई लेंस की, तो FE 1/VE माइनस 1/UE, तो 1/FE इक्वल्स टू 1/V यानी माइनस 1/D, माइनस 1/U, U की जगह कितना हो जाएगा माइनस यू। तो इसे सॉल्व करा तो ये आएगा 1/FE इक्वल्स टू माइनस 1/D प्लस 1/UE। इस पूरी इक्वेशन में मैं D का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आएगा D/FE इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस D/UE। और यहां से मेरे पास D/UE का वैल्यू आएगा, D/UE इक्वल्स टू होगा 1 प्लस D/FE। और इस इक्वेशन से D/UE की वैल्यू हम निकल सकते हैं, तो ये होगा D/UE, यहां से इक्वेशन ऐसे यहां रख रहा हूं वैल्यू, ये होगा M माइनस U0/V0 इक्वल्स टू 1 प्लस D/FE। और ये आ गया फाइनल मैग्निफिकेशन, M इक्वल्स टू माइनस V0/U0 1 प्लस D/FE। ये मैग्निफिकेशन कब आता है, जब हमें फाइनल इमेज कहां पर बनानी हो, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन बनानी हो, यानी हमें जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, तो उस केस में हमारा M आ रहा है M इक्वल्स टू माइनस V0/U0 1 प्लस D/FE। इसी तरह से दूसरा केस हम ले सकते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए, और मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, जब हमारी फाइनल इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी, और इन्फिनिटी में बनाने के लिए हमें A'B' इमेज को कहां बनाना पड़ेगा, जो आई लेंस है उसके फोकस पे बनाना पड़ेगा, और फोकस पे जब A'B' आ जाएगा तो A"B" कहां बनेगा, ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी बनेगा,
तो हमारा दूसरा स्पेशल केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, यानी मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी बननी चाहिए। तो इसके लिए हम देख लेते हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, वन अपॉन एफ ई इक्वल्स टू वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन यू ई, और फाइनल इमेज जो बन रही है हमारी वो बन रही है वन अपॉन इन्फिनिटी बन रही है फाइनल इमेज, यानी वी ई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन यू ई। तो आप देख सकते हैं कि जो यू ई आ रहा है वो आ रहा है माइनस ऑफ एफ ई आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना पड़ेगा, उसकी इमेज कहां बनेगी इन्फिनिटी बनेगी। तो हमने दो लेंस काम में लिए थे इस तरह से, यानी यहां से ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ ए डैश बी डैश जो इमेज बन रही थी इसको कहां पर हमें फोकस कहां पर रखना पड़ेगा, हमें इसे एफ ई पर रखना पड़ेगा। और ये यू ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, यू ई इक्वल्स हो जाएगा एफ ई हो जाएगा। यानी अगर हमें फाइनल इमेज को इन्फिनिटी बनाना है तो हमारा जो ए डैश बी डैश है वो कहाँ होना चाहिए, आई लेंस के फोकस पे होना चाहिए, तभी हम फाइनल इमेज कहाँ ले पाएंगे, इन्फिनिटी पे ले पाएंगे। और मैग्निफिकेशन इस केस के लिए क्या हो जाएगा हमारा, मैग्निफिकेशन ये हो जाएगा वापिस से यही हो जाएगा एम इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू। तो ये है मैग्निफिकेशन, और ये जब हमने कहां पर बनाया फाइनल इमेज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विद एन बनाया, तो इससे आप डेरिवेशन को देख सकते हैं।